काचर बराबर ओके यस एक हुए हैं हमारे इस बहुत खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और इसलिए हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे साथ. सो थैंक यू सो मच कि आप सब हमारे साथ हैं. आइए बात करते हैं मुंबई उत्सव की. हमारे साथ हमारे लेजेंड्स जुड़े हैं. सबसे पहले जिन्हें कहा जाता है हमारे भारत देश की बेटी, 20 तारीख वो बिल्कुल तैयार हैं राम मंदिर अयोध्या में रहने के लिए. एट द सेम टाइम जिन्हें कहते हैं कि ये हमारी देश की तो बेटी है लेकिन उसके साथ साथ उनकी आवाज में उनके सुर में ऐसा नशा है. तो ये अयोध्या धाम और राम जी का खूबसूरत सा सिक्का हम सबके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. आप भी आ जाए फोटो के लिए. मैम आपने हमें दिया है तो आप भी आ जाए. यहाँ पर आ जाए. कुर्सी है मैम. बिल्कुल गिनकर लाए थे सिक्के. सर भी है तो सर आपका भी पूरी शिद्दत से स्वागत है. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सर आगे आ जाइए प्लीज. तो मकड़ा ये बेहद खास बात है हम सबके लिए. जहाँ पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी का प्रेजेंस हो वहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है. अब मैं तो ये कहूँगी सिमरन जहाँ तुम हो वहीं पे उत्सव हो जाती है. सिमरन के लिए एक जोरदार कार्य. बिना सिमरन के तुम्हारा उत्सव कैसे होगा? कैसे होगा? 25 को नहीं है ये तो अपनी अपनी वाणी से ये अपनी वाणी से पूरा माहौल को उत्सवमय कर देती है. मैं यही देख रही थी किस तरह से बातें कर रही. लेकिन हम लोग तुमको बहुत मिस करेंगे 25 को तुम. मैम लेकिन मैं दुबई में हूँ और हमारी जो दुबई की मैगजीन लॉन्च हुई थी महाविस के फंक्शन में जहाँ राजेश जी खुद दुबई आए थे वही शो है उस दिन. तो हम वहाँ से मुंबई उत्सव के साथ कनेक्टेड रहेंगे. क्या बात, ये बात है हमारा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. अब शुरुआत ही कर रहे हैं. तो अब उनकी शिक्षा कंप्लीट होगी क्योंकि ये जो संस्कृति उत्सव होगी क्योंकि आप लोगों को तो शायद मालूम ही है कि हमारी जो सृष्टि हुई है क्रिएशन उसके पहले संगीत था, ओंकार ध्वनि था, फिर उसके बाद हमारी सृष्टि हुई और संगीत उसके पहले भी. अरे हेलो सॉरी. और संगीत तो जब आदि मानव थे उस समय भी था लोक संगीत. जब लोग खाली शिकार करते थे खाना खाते थे तब भी उनको लगा कि ऐसे जिंदगी नहीं जा सकती तो हमें आपके साथ कुछ संगीत और संस्कृति की जरूरत है. तब आप लोग देखेंगे उस समय के जो केव में पेंटिंग है हाथी को मार कर उसके खून से उन लोगों ने पेंटिंग बनाया और वो नाच गान करते हुए वो सब पेंटिंग. तो हमें पता चलता है कि उस समय जो पशुपत आदि मानव थे उनके पास भी हमारा संस्कार संस्कृति संगीत था. लेकिन उसके बाद जब हम पहली गायकी में आते हैं वेद से वो भी संगीतमय था. वेद पाठ संगीत से होता है तीन स्वरों से. तो संगीत हमारे जिंदगी की क्या कहते हैं जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर हम संगीत न सुने तो हम आत्महत्या कर.
हमारी शरीर की पुष्टि तो खाने से हो जाती है, लेकिन माइक आवाज नहीं कर रही है। मैं ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा क्या 20 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ। यस मैम। अच्छा वाला आत्मा का जो खाना है बिल्कुल कोई है कि कंसोल पे माइक पे सर और कोई माइक दे देंगे या बैटरी चेंज कर दीजिए हेलो 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 और ईश्वर भी देखिए संगीत से रिझाते हैं राम नाम सुगुणी जन गाते सुर संगीत से राम रिझाते राम को भी संगीत पसंद है तो ये जो उत्सव होगा मुंबई महोत्सव इसमें मैं समझती हूँ सब कुछ रहेगा हमारे संस्कार के गीत शास्त्रीय संगीत लोक संगीत आपको पता है कि नहीं हम जब जन्म लेते हैं उस समय भी गीत है जब विवाह करते हैं उस समय भी गीत है जब जन्म लेते हैं तो हम लोग गाते हैं यशोदा के भाई नंद लाला बधावले जब जन्म लेने से पहले आजकल बहुत माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चे में इतना विकृति क्यों है वो पढ़ने में मन नहीं है कुछ बच्चे तो रेपिस भी बन जाते हैं उनको कंट्रोल करना दिक्कत होता है तो बच्चा जन्म से पहले Ladies and gentlemen, our living legend, Dr. Dheeraj Kumar ji. एक और बड़े अच्छे नए किरदार जुड़ गए हैं जो हालांकि राजेश के बहुत पुराने हैं ये भी अपने आप में एक डायमंड है वैसे अंदर हीरे हैं मेरे यहाँ आए थे तो मैंने इनको कहा भाई प्रभु का आशीर्वाद तो है ये मेरी भी गुरुशील है तो शोमा जी जैसी कलाकारा यहाँ बैठी हुई हैं हमारे वन एंड ओनली वन सुनील साहब यहाँ बैठे हैं और वन एंड ओनली वन ऐसे संगीतकार जिनकी दुनिया कायल हो चुकी हुई है और बड़ी ही खूबसूरत सी जिन्होंने अपने नाम में रखा हुआ सुंदरी तो सुंदरी बैठी हुई है हमारे साथ एंड अबव ऑल इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग वन नेम जिसका मैं बड़ा कायल हूँ हमारी एंकर है खूबसूरत बहुत ही अच्छा बोलती हैं सिमरन बहुत सलीके से बोलती हैं एंड शी हैज गॉट दैट कमांड शी हैज गॉट दैट कमांड इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसमें खासियत यह है कि हमारे भारत के हर राज्य के अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग विधाएं अलग अलग लोग आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जिसमें गायन वादन नृत्य सब कुछ होगा तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर बनने वाला है मुंबई महोत्सव जो है और आपकी शुभकामना चाहिए और हम सब राजेश भाई के साथ हैं राजेश भाई आगे आगे हम सब इनके पीछे पीछे हैं ऑल द बेस्ट राजेश भाई थैंक यू वेरी मच ये उनकी तारीफ करने का एक अंदाज है सुनील जी सिंगर भी रिकॉर्ड चालू है तो मैं मुझे अभी दो तीन लाइनें याद आ रही है मैं गा के सुना देता हूँ आपको आप मैं चाहता हूँ कि उस चीज में आप भी मेरा सपोर्ट करें क्योंकि आप सब मेरे गुरु हैं उस्ताद हैं आप सबसे सीखता हूँ तो कहीं गलती हो जाए तो समझ आना वो आपकी वजह से होगी चलो ठीक है श्री राम जी के जो 22 तारीख को आ रहे हैं उस विषय पर ताली भी बजाते रहिएगा श्री राम चले आना श्री राम चले आना 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना सबके ही है श्री राम सबके ही है श्री राम भक्तों के लिए हर पल रहते हैं वो श्री राम फ्री रहते भक्तों के लिए हमेशा श्री राम चले आना देखिए भक्तों के कई सारे रूप होते हैं कई सारे रंग होते हैं एक ऐसे भक्त हैं श्री राम जी के जो राजेश जी के पास दोस्त भी हैं हम सबके दोस्त हैं
एक बहुत बड़े नेता है, पॉलिटिशियन है, उनके अंदाज में शेयर कर रहा हूँ, नाम उनका नहीं बताऊंगा कि किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शक्ल वानर जैसी है, मेरी शक्ल वानर जैसी है, इस बात का मेरे को अनुमान है। मेरी शक्ल वानर जैसी है, इस बात का मेरे को अनुमान है, क्योंकि रामदास का मतलब ही अनुमान है। तो बाबा शुक्रिया सबको, बहुत सारी बधाइयां। हमारे रतन नोरा भी जा रहे हैं दीदी 22 तारीख को। हमारा नाम है रतन नोरा और 22 जनवरी को जाऊंगा पूरा के पूरा, और जो श्रीराम लल्ला का दर्शन करेंगे उनका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा, और जो नहीं जाएगा वो है सर्व धतुरा। मैंने कहा यार उनके उस प्राण स्थापना में जाने के लिए बड़े बड़े वीआईपी जा रहे हैं, तो हम किसी वीआईपी से कम होगा? आप कौन है? रतन टाटा। रतन दूर सुना था, लेकिन कल से रतन टाटा भी हो गया हूँ। कैसे? जब गांव से यहाँ आ रहा था तो पूरा गांव ट्रेन में बिठा के हमसे कह रहा था रतन टाटा रतन टाटा रतन टाटा, तो हम रतन टाटा हो गया हूँ। अरे मैंने कहा वहाँ पर बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, अवार्डेड रिवॉर्डेड, शिवमा घोष जी के तरह जिनको अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला। हम अपने आप एक अवार्ड हूँ। बोले कौन सा? भारत रत्न। मैं भारत का हूँ, नाम रतन है तो भारत रत्न। अरे मैंने कहा वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग जा रहे, रामशंकर जैसे लोग जो प्रभु जो राम जी के चरणों में तेल चढ़ाएंगे। हमारे खुद की तेल की फैक्ट्री है। कौन सी? नवरत्न। अरे श्री राम और लक्ष्मण जी का नाम हम पे रखा गया। वो कैसे? मेरे दो अनमोल रत्न, एक है राम तो एक है लक्ष्मण। मैंने कहा भाई राजेश श्रीवास्तव जी की तरफ से मुझे गुप्त ज्ञान पता चला है कि वहां पर सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे कितना ही बड़ा हो। बार कोड चलेगा। कहां चलेगा? बार कोड। तब तो सारे हमें सबसे पहले एंट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि समाज का एकमात्र कोड ऐसा हूं जो बार से संबंधित हूं। भैया सबको मैं क्या रखा है, भावनाओं को समझो। और आप सबको बहुत बधाई हो उत्सव के लिए, बहुत सारी बधाई है। भगवान करे, ईश्वर करे, राजेश जी का ये जो कदम कदम है ये सब कदम आगे बढ़े और हम सब सदैव उनके साथ में। आप सब जीव हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल, लव यू ऑल। हम सब आपके फैन हैं सुनील जी। आप लगता है दिन भर सोते तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन रात को भी आजकल नहीं सोते हैं, इतना काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फिल्म से फिल्म एडिटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा याद है सिमरन जी को, सिमरन जी ने हमारी फिल्म गाली गलौज में काम किया ही था, लेकिन अब आने वाली फिल्म जो मेरी है गाली गलौज, तो मेरी सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरी फिल्म गाली गलौज चल रही है, देखिएगा जरूर। गाली गलौज फिल्म का नाम है, उसमें कोई गाली गलौज नहीं है, साधारण फिल्म है, गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है जो आजकल कल्चर कर रहा है। लेकिन एक और फिल्म आ रही है कॉफी विद अलोन, जिसमें शिमल जी ने बहुत अच्छी डबिंग की। शोभा जी को मैंने फोन किया था, वो दिल्ली में किसी काम से बिजी थी, लेकिन सिमरन अपना पूरा टूर करके और एक गैप बीच में आया था, उसमें आकर वो अपना मेरा दोस्ती का साथ निभाया। सिमरन लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है, जो वाह नहीं बोल रहे ये उनकी बहन है। Ladies and gentlemen, जैसे कि हम सबको पता है, जी हाँ, कलाकार हमारे लिविंग लेजेंड्स पद्मश्री डॉक्टर शोभा घोष जी के साथ साथ हमारे फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं। तो सिमर का तो मैं परिचय आप सबके साथ ऑलरेडी मैंने कर लिया है, जो सिमर जी हैं प्रो कबड्डी के लीग मैच से हैं और हमारे न्यूग्लो उनो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है हमारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से हमारे रिनाउंड नेम योगेश जाधव जी हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे देश की शान है इन दिस वेरी स्पेशल स्पोर्ट, हमारे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं और बॉक्सर हैं, इसके साथ साथ ये एक्टर भी हैं, बिग बॉस मराठी में हमने देख चुके हैं और रोडीज में इन्होंने बहुत धमाल मचाया था। ऑफ कोर्स उनके एस्थेटिक्स तो हैं ही, उनका पावर तो है, एट द सेम टाइम टैलेंट के साथ साथ वो अंदर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग और नरम दिल भी है, तो ये हमें देखने मिला बिग बॉस में, मराठी बिग बॉस में। तो तहे दिल से हम स्वागत करते हैं योगेश जाधव जी, इन्हें कहते हैं जेंटल जायंट, जो मिक्स होता है ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, मतलब जेंटल जायंट, बहुत प्यार से ये पेश भी आते हैं और बहुत सारा प्यार है इनके अंदर।
लेकिन फाइट किस तरह करते हैं पता नहीं, तब क्या हो जाता है मुझे नहीं पता इन्हें। सो लेट्स वेलकम योगेश जी, स्वागत है योगेश जी आपका, और बहुत जल्द माइक्रोफोन हम आपको देना चाहेंगे राइट आफ्टर डॉक्टर संदीप सोपारकर स्पीक्स टू एवरीवन। सबका परिचय मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर संदीप सोपारकर, और मुंबई उत्सव के लिए क्या क्या वो प्लान कर रहे हैं उनकी तरफ से, जो उनका स्पेशल परफॉर्मेंस है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल किस तरह हमारा ये मुंबई उत्सव सीजन वन होने जा रहा है। So let's hear it from the one and only Dr. Sandeep. ये ले लीजिए सर, ये माइक। थैंक यू सिमरन। 25 फरवरी को होने वाला है मुंबई उत्सव, यहाँ पे नाच होगा, गाना होगा, पूरा सेलिब्रेशन जो होता है हिंदुस्तान का वो आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य से लोग आएंगे, कंटेस्टेंट्स आएंगे और भागीदार आएंगे जो डांस करेंगे, संस्कृति को दिखाएंगे, हमारे जो रूट्स माने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति निभाते हैं, वो सब लोग आएंगे और वो सब यहाँ पे हिंदुस्तान क्या है, हमारा देश क्या है, भारत क्या है, ये दिखाएंगे अपने कल्चर के थ्रू, अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू। और हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, वो संस्कृति से ही बना हुआ है। हम लोग सब जो है कहते ना, साहित्य संगीत नृत्य कला विहीन साक्षात पशु कुछ निशानहीन। जिस इंसान में कला संगीत नृत्य नहीं है वो इंसान एक पशु की भांति है। हम लोग सब पशु नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कला भसी बसी हुई है। यही कला जो है आप लोग देखेंगे 25 फरवरी को। और राजेश जी थैंक यू सो मच ये करने के लिए। और इसकी स्पेशल बात ये है कि हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा वो स्पेशल बच्चों से शुरू होगा। मिसेस कोठारी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं जो गोयनका स्कूल भी है, और वहाँ के बच्चे आकर के डांस करेंगे और हमारी संस्कृति दिखाएंगे। कृष्ण के बारे में होगा, गणपति के बारे में होगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि बच्चे कोई भी हो, चाहे हम उनको स्पेशल बुलाएं या नॉर्मल बुलाएं, हर कोई जो है वो भगवान के साथ प्रार्थना करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो कोठारी मैम थैंक यू सो मच। सिमरन आई विल टेक योर 2 मिनट्स एंड गिव द माइक टू कोठारी मैम टू टेल कि हम हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम की। मैं गोयनका एसोसिएट एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करती हूँ। जो GAT हैज इट्स प्रेजेंस इन एजुकेशन फील्ड फॉर मोर देन 4 डिकेड्स, एंड वी हैव कार्व्ड इवन अ स्पेशल नीश इन द फील्ड ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। We are glad to be a part of Mumbai Utsav 2024, which is going to depict incredible India through various cultural performances. Theme for our performance is Hamari Sanskruti, Hamari Dharohar. And we are going to present 2 dances. The first one, we are going to celebrate attributes like humility, wisdom, prudence, intellect and tranquility through Ganesh Vandana. And Ganesh is one of the most popular and loved festival of Maharashtra, and I think of course now Ganesha is being worshipped across globe, followed by a dance which will depict the spirit of never give up of our children who are with special needs, who fights against odds and challenges throughout their process of development. And you will see the culmination of that when we inaugurate the dance, which resonates the spirit of our warriors who have fought against to protect the land and our culture against invasion of cultural erosion, I think, which is our most biggest concern right now, which everybody is trying to say about in today's session. Thank you so much. Thank you very much. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. आज के लिए बस यही बचा है, जय श्री राम। सच है और बुरा भी चाहिए देश में, और सभी धर्म अपने प्रिय हैं और हमारे देश के इष्ट हैं, हमारे सभी के प्यारे हैं। नाम इसमें कोई धर्म जात का कोई नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले
निमंत्रण कर रहा था सब घरों घरों में जाके, मुझे अपने क्षेत्र में 5,000 घरों में जाने का सौभाग्य मिला है। और मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि चुनाव लड़ना है क्या, मैं बोला नहीं, मुझे राम का काम करना है, मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात रही कि जब मुंबई उत्सव कार्यक्रम के बारे में जब मैंने सोचा, अक्सर कई बार जब मेरे दिमाग में रात में कभी दो ढाई बजे आँख खुल जाती है तो कोई एक नया विचार आ जाता है, तो उसको मैं 2:30 बजे से दूसरे रात के 2:30 बजे तक उसको तैयारी कर देता हूँ, करना क्या है। तो मुंबई सब दूसरे आया और दूसरे दिन मैंने सुबह मैसेज किया आदरणीय धीरज सर जी को, बड़े भाई तुल्य और हमेशा छोटे भाई से हथियार देते हैं, जीवन में कोई भी काम किया मैंने तो मैंने धीरज सर को जरूर मैसेज करता हूँ और सर तुरंत ओके कर देते हैं, वाह क्या बात है धीरज जी। और मेरे जीवन में आदरणीय राम भैया का बड़ा कृपा आशीर्वाद रहा है, उनसे भी चर्चा करता रहता हूँ, और ये दीदी सब दीदी को मतलब तो हर कदम सभी का साथ रहता है। तो जब एक अवसर मैंने सोचा तो वो मैंने अपने प्रिय लोगों से राज्यों से अलग अलग क्षेत्र में कोई साहित्य के क्षेत्र में होगा, कोई
गायन के क्षेत्र में होगा, नृत्य के क्षेत्र में होगा, तो उसी हिसाब से सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर बाबू के साथ को जुड़कर इसका शुरू किया है। एक सराहनीय प्रयास है और मैं समझता हूँ अगर इसको ये आगे लेकर चलता रहेगा, जिस तरह से राजेश ने सबसे पहले अपनी मैगजीन शुरू करी थी जिसका श्रेय समाचार हमारे हैं जो बहुत आजकल अपने आप में ही अकेले बैठ जाते हैं जाके, तो बहुत सहायता भी दी, एडवाइस भी दी। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हम जितने भी वहाँ जाते हैं, शोभा जी हैं, रामशंकर जी हैं, हमारे सुनील रॉल जी हैं, सुंदरी जी साथ बैठी हुई हैं, और हमारी ब्यूटीफुल एंकर जो है सिमरन, सबका साथ रहा। और वंस प्रयास किया जा रहा है, मेरी प्रभु से यही ऐसा मजबूत बनाने कि आने वाले वर्षों के अंदर अपना ये बहुत बड़ा मुकाम करे और राजेश जिंदगी में नए नए प्रयोग करता रहे, नए नए विचारों को लेकर आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। और जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो जरूर मेरे से चर्चा होती है, मेरे से बात होती है, धनेश जी से बात होती है, सोमा जी से बात होती है। और जब भी उन्होंने बताया कि मुख्य उत्सव कहाँ है, उनके मन में आया कि आपने इसको करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी लगी। हम सब ने मिलकर संदीप जी ने और हम सब ने मिलकर ये विचार किया कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और इस कार्यक्रम की खासियत ये होगी कि यहाँ पर देश के अलग अलग राज्य के कलाकार आएंगे और अलग अलग विधाएँ इसको गायन वादन सब चीज़ें भी करेंगे। तो एक ऐसा मंच बनेगा जिसमें हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत की सभ्यता नजर आएगी। इसमें तो राजेश श्रीवास्तव जी हमारे टीम की तरफ से सभी लोगों की तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 फरवरी को ये हमस कॉलेज के कैंपस में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अरे सर हाथ मत दे। आएगा।
25 फरवरी को हो रहा है मुंबई उत्सव,
जहाँ पे हमारे देश के हर राज्य से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। आपके लिए गाना हो गया, डांस हो गया, सब करेंगे। एक सेलिब्रेशन है हमारे देश का जो होने वाला है। हम कहते हैं ना भारत देश, भाव राग और ताल से बना है भारत देश। वही आपको देखने को मिलेगा हमारे उत्सव में, हवाई उत्सव में। और सबसे बेस्ट बात है, उसकी शुरुआत जो होने वाली है वो स्पेशल चिल्ड्रन से होने वाली है। मिस पठानी यहाँ पे आई हुई है जो वोइंग का स्कूल हेड करती है, उनके बच्चे डांस करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलकर डांस करेंगे, स्पेशल चिल्ड्रन हो चाहे वो नॉर्मल बोलने वाले चिल्ड्रन हो, जो भी हो, जब एक साथ मिलकर आते हैं तभी भारत देश बनेगा और तभी हमारा मुंबई उत्सव साथ आता है। आप लोग सब आइए, जो इंटरेस्टेड अप्लाइंग फॉर इट चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे आइए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए, इंस्टाग्राम पेज पे आइए और प्लीज़ अप्लाई करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग के नाम से थैंक यू। क्या कहना चाहिए, सबने सब कुछ कह दिया। मैं तो सबके लिए यही कहूँगी कि जो राजेश भाई की वजह से आज सभी एकत्र हुए हैं वो सबसे बड़ा महोत्सव है। ये सबसे बड़ा उत्सव है कि हम आपस में मिल नहीं पाते हैं और आपने एक मंच पे सबको बिठा दिया। आज सबने सब कुछ कह दिया। मैं ये कहूँगी ऑल द बेस्ट। हर साल ऐसे ही धूमधाम से हम मनाते रहे मुंबई उत्सव। और सभी हमारे जितने प्रतिनिधि बैठे हुए, धीरज जी, शोभा दीदी, संदीप हमारे भाई साहब तो है ही है, कलाकार मैडम बैठे हैं, वो जो आए हैं कबड्डी स्टार है, हाँ कबड्डी स्टार है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मीडिया को सबसे बड़ा धन्यवाद क्योंकि आप ये इस रूम से हमें बाहर आप ही ले जा सकते हैं, बाकी तो कोई सुनेगा नहीं। तो आपका सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी जो हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है उनके बारे में उनकी समझ है, उनकी जानकारी है वो बहुत कम हो रही है। ये बहाने सबको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और पूरे दुनिया को और भारत को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और हम उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो म्यूज़िक डांस वो ऐसे फॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आप उसको सुधार सकते हो। एंड दे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन हैविंग अ गुड मेंटल। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द टीम एंड द इनिशिएटिव एंड आई थैंक यू मिस्टर संदीप सोपारकर फॉर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एट सच अ बिग फेस्टिवल। मुझे इतना डीप डाउन इसका नहीं पता, तो ये भी सब टाइम थोड़ा रच जाऊंगा तो समझ सकते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये हाँ बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो मेरी बेस्ट विशेस ऑलवेज आप सब लोगों के साथ है। आप ऐसे ही हंसते रहो, है ना, एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क, है ना, बढ़ो फूलो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू, लव यू। ओके, थैंक यू। आइए 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 राजेश भाई और राहुल भाई साहब जो लीड कर रहे हैं और हम जो सब कमेटी में उसकी तरफ से मुंबई उत्सव को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो हम करने जा रहे हैं 25 फरवरी को, तो 22 जनवरी जो दिवाली का त्यौहार है, राम की आ रहे हैं, और 25 जनवरी जो हमारा मुंबई उत्सव का जो त्यौहार होता है, और सभी हम लोग सभी 25 फरवरी को हम सारे मुंबई वासियों को न्योता दे रहे हैं। हर तरह के सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम को एक स्टेज पे, एक मंच पे लेके आ रहे हैं
ये हमारा एक प्रयत्न रहेगा। इसमें सभी लोगों का, आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और राजेश भाई और राहुल भाई जो हमारे लीड कर रहे हैं मुंबई उत्सव को, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे हुए और हम लोग सब आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सारे पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम मुंबई फेस्टिवल जो होने वाला है, मुंबई उत्सव 25 फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है, सारे देश से अलग अलग प्रांत का लोग आ रहे हैं। मुंबई में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत की यहाँ पे पहचान है और वो सारी पहचान हम मुंबई उत्सव के एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए राजीव श्रीवास्तव जी और जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उन प्लेटफॉर्म को हम बड़ा करना चाहते हैं और उनके साथ हम प्रोग्राम को हर साल आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। इतना अच्छा होने वाला है कि हर साल सब लोग मुंबई की आवाम ये इवेंट की राह देखेंगे। तो आप तो सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि इतने अच्छे इवेंट में आप सब लोग पधारिएगा। जी सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई हैं और ये जो इन्होंने जो थॉट क्रिएट किया है, जो अलग अलग प्रांत के लोगों को एक मंच पे लाकर मुंबई उत्सव जैसे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं हमारे राजेश जी को। और हम सब मिलकर ये प्रयत्न करेंगे कि जितना से अच्छा सक्सेसफुल हो सके उतना सक्सेसफुल बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस है, मैं मीडिया कर्मियों से सभी से बधाई देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। और 25 फरवरी को ये जो होने जा रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एक मंच देना मंच दे रहा है। एक मंच जिस मंच से हो सकता है किसी का करियर बदल जाए, हो सकता है एक समाज में बदलाव आए, उस बदलाव के लिए हम लोग देख रहे हैं। और एक समाज में एक बहुत ही अच्छी एक सोच लेके आ रहे हैं, जिस सोच को क्रिएट किया है राजेश जी ने, इससे समाज में अगर हम ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदलाव तो ला ही सकते हैं। और ये बदलाव हमारे लिए जरूरी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। चलिए पैका धन्यवाद सर।